हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे बटरफ्लाइज के बारे में। बटरफ्लाई परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ये शुद्ध शाकाहारी होती हैं और इनका जीवनकाल बहुत कम होता है। ये पूरी तरह से फूलों पर निर्भर होती हैं। एक बटरफ्लाई है, आप जानते हैं कि UPSC जो भी स्पीसीज न्यूज़ में होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो अभी ऑरेंज ऑक लीफ बटरफ्लाई है जिसे इंडियन नेशनल बटरफ्लाई का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने, तो इसलिए अभी ये इम्पॉर्टेंट है इस साल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो ऑरेंज ऑक लीफ बटरफ्लाई, इसे इंडियन नेशनल बटरफ्लाई का खिताब मिल चुका है। ये है द हिंदू का एडिटोरियल पेज और इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें तीन कंटेंडेंट थी बटरफ्लाइज जिन्हें चुना गया था इंडियन नेशनल बटरफ्लाई की रेस में। उनमें से जो जीती है वो ऑरेंज ऑक लीफ बटरफ्लाई है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये चीज किया है। ये जो तितली है इसे डेड लीफ भी कहा जाता है। आप इसका कलर देखिए, इसका कलर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसे सूखे पत्ते के जैसे दिखती है। अगर यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं थोड़ा दूर से, तो ये अपने आप को बचाने के लिए करती है, जिससे कोई बड़ा कीट या बड़ा सांप जैसा कोई भी जानवर इसे खा ना सके। ये जब भी ऐसा खतरा महसूस करती है तो ये इस तरह से हो जाती है। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इस वीडियो में देखें तो ये है वो ऑरेंज ऑक लीफ बटरफ्लाई। तो आप इसको देख करके आसानी से पहचान भी नहीं सकते कि ये कोई पत्ता है या कोई कीट है या बटरफ्लाई है। जब ये अपना पंख खोलती है, ऐसे ये खोलेगी पतंग, तब पता चलता है कि अच्छा ये तो एक बटरफ्लाई है। तो इस तरह की दिखती है ये। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई एक लिंगी मोनोगमस प्रकार का कीट होता है जिसमें नर और मादा, मोनोगमस वो होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। इनका जीवन काल बहुत कम होता है और जो सबसे तेज उड़ने वाली, दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाली तितली है उसे, उसका नाम है मोनार्च। और यह तितली एक घंटे में 18 मील की दूरी तय कर सकती है। दुनिया में बटरफ्लाई की 18,000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो 1318 स्पीसीज हैं बटरफ्लाई की। अगर सिर्फ एक देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन देश में पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 1600 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं बटरफ्लाई की। तो चूँकि बटरफ्लाई अभी न्यूज़ में है तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो कोस्टा रिका आपको याद होना चाहिए। तो उसका एक बार हम मैप में भी उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच जूम करता हूँ मैं, तो ये वाला देश है ये कोस्टा रिका, इसकी राजधानी है सेंट जॉस। तो यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई के जीवन चक्र की, तो चलिए देख लेते हैं इनका जीवन चक्र बहुत छोटा सा होता है तो कैसा कैसा होता है। जब कोई बटरफ्लाई किसी एक को जन्म देती है तो इसके बाद ये सबसे पहले कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर लार्वा होता है एक तरह का। फिर उसके बाद लार्वा बनने के बाद ये प्यूपा बनता है। ये प्यूपा है, ये ऐसा दिखता है, प्यूपा ऐसा दिखता है, ये इस खोल के अंदर रहता है, इस खोल के अंदर रहता है। उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये इस खोल को तोड़ करके निकल जाता है और ये एक अडल्ट बटरफ्लाई होती है। इसके बाद फिर से ये अंडे देती है और ये इस तरह से सर्कल चलता रहता है। तो ये है इनका ये है जीवन चक्र और इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक दो बार कुछ कई बार UPSC में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि लार्वा कौन सी अवस्था है, मतलब ये दूसरे नंबर का है तो वो उस तरह से कि अंडे के बाद लार्वा बनता है, तो ऐसा। तो ये था आज का लेक्चर बटरफ्लाई के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटवे स्टडी।